बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों अपना टॉपिक चल रहा था रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर का इतिहास बच्चों मैंने आपको बताया था, ये पथरीला पठार है। ये कौन सा पठार है? ये पथरीला पठार है और पथरीला पठार के ऊपर यहाँ एक दुर्ग बना है। इस दुर्ग का क्या नाम है बच्चों? इसको कहते हैं रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग ये किस पर बना है? ये कौन सा पठार है? ये पथरीला पठार है। पथरीला पठार, इससे पहले हमने चित्तौड़ का इतिहास देखा था। चित्तौड़ के इतिहास का जो पठार होता था वो मेसा का पठार था, और ये रणथंभौर का जो किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, ये एक पथरीला पठार है। पथरीला पठार के ऊपर ये रणथंभौर का दुर्ग बना है बच्चों, और इस दुर्ग को हम, इसका इतिहास हम जान रहे थे। यहाँ रणथंभौर के दुर्ग का जो शासक था हम्मीरदेव। कौन है? हम्मीरदेव अंतिम शासक हम्मीरदेव था। चौहान वंश का शासक हम्मीरदेव है, और हम्मीरदेव के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान कौन है बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। हम्मीरदेव की हम यहाँ चर्चा करते हैं, तो हम्मीरदेव ने अपने प्रारंभिक समय में एक दिग्विजय की नीति को अपनाता है। कौन सी नीति को अपनाते हैं? दिग्विजय की नीति को अपनाते हैं। इस नीति के अंतर्गत यहाँ बच्चों दिग्विजय क्या होता है, मैं आपको ये बता दूँ। दिग्विजय का मतलब होता है कि जितने भी राजपूताने के आसपास जितनी भी जो सीमाएं हैं, जैसे चित्तौड़ है, खंडीला है, और भीमरस जगह है, वो जो छोटी छोटी सारी जगहों पर अपना अधिकार कर ले और उसको जीत ले उन प्रदेशों को, उसको कहते हैं दिग्विजय की नीति। और उसके बाद में हम्मीरदेव ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, उसको कोटिजन यज्ञ कहा जाता है, और ये इसकी हम्मीरदेव की उपलब्धि थी। हम्मीरदेव ने कोटियोजन यज्ञ करवाया था, और यज्ञ करने वाला एक पुरोहित होता था राजपुरोहित, जिसका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। तो सबसे पहले इसने भीमरस के राजा दिग्विजय की नीति में, यहाँ से देखो बच्चों, पहला नंबर उसने भीमरस एक जगह का नाम है, भीमरस का राजा अर्जुन को पराजित किया था। पहला हम्मीरदेव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए थे। हम्मीरदेव ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध किए थे बच्चों? 17 युद्ध किए थे, और 17 युद्धों में से हम्मीरदेव कितने युद्धों में विजित रहा? 16 युद्धों में ये विजित रहा था। कितने युद्धों में? 16 युद्धों में विजित रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो हम्मीरदेव का जो हम आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर हमला किया था और हम्मीरदेव को पराजित कर दिया था। हम्मीरदेव बलिदान हो गए थे, वो 17वां युद्ध था, और 17वें युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े थे, बड़े आन बान शान के साथ इन्होंने युद्ध किए थे। यहाँ हम्मीरदेव के बाद 17वें युद्ध में हम्मीरदेव जो थे वो पराजित हो गए थे। दिग्विजय की नीति के अंदर पहला नंबर है भीमरस का राजा अर्जुन। अर्जुन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? अर्जुन को पराजित किया था। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, तो दूसरा नंबर आता है मांडलगढ़ को जीत लिया था। ये मांडलगढ़ कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये भीलवाड़ा में स्थित है, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, जहाँ पर मांडलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग को जीत लिया था। यहाँ के लोगों से टैक्स लेना शुरू किया था हम्मीरदेव ने। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ तो उज्जैन के अंदर, उज्जैन कहाँ पर है बच्चों? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन के अंदर धारा वंश का राजा कौन है? भोज। धारा नगरी है बच्चों। कौन सी नगरी है? धारा नगरी है। परमार वंश का राजा भोज, राजा भोज को पराजित किया था हम्मीरदेव ने। और राजा भोज को पराजित करने के बाद खंडीला चंपा कंकरीला,
खंडिला, चंपा, ये खंडिला है, खंडिला के बाद ये चंपा है, खंडिला, चंपा और कंकरीला, कंकरीला, कितने प्रदेश हो गए? इन सब प्रदेशों पर दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब होता है हमीरदेव, इन सब प्रदेशों को, एक प्रदेश को जीतने के बाद दूसरे प्रदेश को जीता, दूसरे को बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से अपनी एक पूरी की पूरी एक जो है एक इन राज्यों पर अपना अधिकार करके अपने आप को सर्वोच्चता सिद्ध किया इसने। क्या सिद्ध किया था? सर्वोच्चता सिद्ध की थी। और बाद में एक कोटि योजन यज्ञ करवाया था कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से हमारी आन बान शान है, जिस तरह से हम यहाँ साम्राज्य विस्तार की नीति में लगे हुए हैं, इसी तरह की इसने नीति अपनाई थी। उसी नीति को दिग्विजय की नीति कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले भीमरस पर अर्जुन को पराजित किया था, माडलगढ़ को जीत लिया था, उज्जैन के अंदर धारा नगरी में परवार वंश के राजा भोज को पराजित किया था, खंडिला को जीत लिया था, सीकर में है, चंपा को जीत लिया था, कंकरीला सवाई माधोपुर में है, इन सब जगहों को जीत लिया था उसने। और जीत लेने के बाद यहाँ कोटि योजन यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटि योजन यज्ञ। कहाँ? रणथंभौर के दुर्ग में यहाँ कोटि योजन यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? हमीरदेव ने करवाया था। बच्चों, हमीरदेव ने कोटि यज्ञ करवाने के बाद, यज्ञ करवाने वाला कौन था? पुरोहित का नाम क्या है? विश्वरूप। पुरोहित का नाम क्या है? विश्वरूप, विश्वरूप। अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, आगे अब इस तरह से इतिहास चलेगा अपना। हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत, अब हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत से इनका क्या वास्ता था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी या नोटबुक में, इस तरह ये जो मैप है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप ध्यान से देख सकते हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। यहाँ बच्चों, अब हम दिल्ली सल्तनत का राजा इस समय जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था यहाँ पे। जलालुद्दीन खिलजी और इनके बीच में जो युद्ध चलता है उसका हम वर्णन करेंगे। दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास, राजस्थान का मैप है और ये इस तरफ यहाँ सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। मार्च 1291 ईस्वी की बात है, 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी एक विशाल सेना रवाना कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो कहाँ से प्रस्थान हो रही थी? वो दिल्ली से सवाई माधोपुर की तरफ। और विशाल मुस्लिम सेना है ये जलालुद्दीन खिलजी की है। जलालुद्दीन खिलजी की विशाल मुस्लिम सेना ने इधर से दिल्ली से प्रस्थान किया था सवाई माधोपुर की ओर। सवाई माधोपुर में यहाँ रणथंभौर का जो दुर्ग था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, रणथंभौर के दुर्ग में राजा कौन है? हमीरदेव है। हमीरदेव ने अपने यहाँ से 150 राजपूत सैनिकों को भेजा, कम से कम 500 राजपूत सैनिकों को भेजा था। बच्चों, कितने सैनिकों को भेजा था? 500 घुड़सवारों का एक दस्ता भेजा था, 500 घुड़सवारों का एक दस्ता, कि आप जाओ और देखो कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये जलालुद्दीन खिलजी जो विशाल सेना लेकर आया, इसके पास कितनी संख्या में इसके पास में सेना है, कितने लोग हैं, आप ये जांच पड़ताल करके वापस मुझे बताओ। हमीरदेव ने 500 राजपूतों को, ये घुड़सवार थे, 500 घुड़सवारों को भेजा था। और 500 घुड़सवारों को जब 500 घुड़सवार और ये विशाल मुस्लिम सेना, इन दोनों के बीच में झड़प हो गई थी। झड़प का मतलब होता है एक लड़ाई हो गई थी, और इस लड़ाई के अंदर 170 राजपूत जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
और बाकी के जो बच्चे हुए थे वो वापस कहाँ आ गए थे? रणथंभौर के दुर्ग में आ गए थे। और सारी सच्चाई किसको बताई थी? हमीर देव को बताई थी। तो पहला चरण जो है वो यहाँ फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर फिनिश होती है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अभी वापस एक बार सुन लो, सबसे पहले क्या बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना भेजी थी दिल्ली से। दिल्ली से ये सेना इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आ रही थी। ये कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का दुर्ग। यहाँ हमला करने के लिए आई थी। इधर से अमीर देव ने 500 घुड़सवार भेजे कि जाओ और सच्चाई का पता करके आओ कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और इस सच्चाई को जानने में लड़ाई झगड़ा हो गया था और 170 राजपूत वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये पहली सिचुएशन है बच्चों, ये कौन सी सिचुएशन है? ये पहली सिचुएशन है। अब विशाल सेना जो थी वो रणथंभौर दुर्ग के पास में अपना शिविर लगा लिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इस यहीं पर एक डेरा जमा लिया था पहाड़ी के पास में। ये विशाल सेना यहीं पर रहने लगी थी। अब इधर से अमीर देव और उधर से जलालुद्दीन खिलजी के बीच की सेना के बीच में अब दूसरी स्टेज में फिर एक बार हमला होगा। और दूसरी स्टेज में जलालुद्दीन खिलजी ने इस बार क्या, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने जो मुख्य सैनिक हैं 100 घुड़सवारों को भेजा था। कितने घुड़सवारों को भेजा? 100 घुड़सवार को भेजा जलालुद्दीन खिलजी ने। उसमें 100 घुड़सवारों में अहमद सरजिंदर ये पहला मुसलमान जो 100 घुड़सवारों का नेतृत्व कर रहा था। मलिक खुर्रम दूसरे नंबर का कौन है बच्चों? मलिक खुर्रम है जो मुस्लिम सेना का इन 100 घुड़सवारों का नेतृत्व कर रहा था, मलिक खुर्रम। और एक कुरबेग था। तीसरे नंबर का कौन था? कुरबेग। टोटल कितना हो गए? ये तीन लोग जो थे वो 100 घुड़सवार के साथ तीनों थे। और तीनों जो थे वो हमला करना था कहाँ पे? सवाई माधोपुर रणथंभौर के दुर्ग पर हमला करना था। ये 100 के 100 आए और 100 के 100 ये आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ के रणथंभौर दुर्ग के पास में, इस रणथंभौर का जो दुर्ग जो था इसके जस्ट पास में एक दुर्ग और बना हुआ था। उस दुर्ग का नाम था झाई। झाई का दुर्ग। किसका दुर्ग बच्चों? झाई का दुर्ग। इस पर अधिकार कर लिया था। और झाई के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद इधर से अमीर देव ने गुरुदास सैनी को भेजा। किसको भेजा? गुरुदास सैनी को भेजा। और गुरुदास सैनी को कहा कि भाई झाई पर अब अपन मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और अब अपन को झाई का किला बचाना है, तुम जाओ। और 10,000 सैनिक, इसने कितने से, इसके साथ कितने सैनिक थे? 10,000 सैनिक थे गुरुदास सैनी के पास में। और 10,000 सैनिक थे और यहाँ दोनों में झड़प हुई थी। और इस तरह जलालुद्दीन खिलजी पूरा प्रयास कर रहा था कि अगर झाई का दुर्ग हमें मिलेगा तो हमें जो है रणथंभौर का दुर्ग भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 10,000 गुरदास सैनी की जो सेना थी उन्होंने मुसलमानों को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। अब यहाँ झाई का दुर्ग भी नहीं मिला था जलालुद्दीन खिलजी को, रणथंभौर का दुर्ग भी नहीं मिला था जलालुद्दीन खिलजी। काफ़ी समय हो गया, यहाँ पे 7-8 महीने बीत गए थे कि अब सिचुएशन क्या, अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, अब तो केवल एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? वो ये रास्ता है बच्चों, जलालुद्दीन खिल कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे किले पड़े हैं मेरे पास, तो कि मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे किले पड़े हैं। उसने यहाँ पर ये अपना प्रवचन दिया था कि ऐसे 10 महलों को भी मैं मुसलमानों के एक महल के बराबर नहीं मानता हूँ, ऐसे बहुत सारे महल मेरे पास हैं। और बहाना बना के यहाँ से वो वापस चला गया जलालुद्दीन खिलजी के हाथ। ना तो झाई का दुर्ग आया था, ना ही रणथंभौर का दुर्ग आया था। ये कौन सी स्टेप हो गई यहाँ पे? ये दूसरी स्टेप हो गई, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 अभी मैंने आपको यहाँ बताई थी, स्टेप नंबर 2 है। 1 के अंदर केवल छोटी सी झड़प होती है और 500 घुड़सवार होता है और उसमें 170 राजपूत वीरगति को प्राप्त होते हैं। दूसरे के अंदर क्या होता है, ये मुसलमान यहाँ झाई तक पहुँच गए थे, बाद में रणथंभौर पर भी हमला करने वाले थे, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिली थी। और जब कोई सफलता नहीं मिली इनको, तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे जो है बहुत सारे दुर्ग पड़े हैं और मैं तो कहीं भी रह लूँगा। और ये बहाना बना के वापस चला गया था। कौन चला गया था बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से वापस चला गया था। अब नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आएगा बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में जो हमला होता है उसका हम स्टेप बाय स्टेप वर्णन करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में युद्ध का कारण क्या था, उन कारणों की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, ध्यान दो इधर कि जैसे यहाँ
यहाँ क्या है, ये दिल्ली, ये कौन सी जगह है बच्चों, ये दिल्ली के दरबार है, दिल्ली के दुर्ग बने हैं यहाँ पे। किसके दुर्ग बने हैं, दिल्ली के दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ दिल्ली में कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले उत्तर भारत पर उसने अधिकार किया था, फिर दक्षिण भारत पर अधिकार किया था। उत्तर भारत में राजपूताना पे चित्तौड़ का आपने पहले ही समझ लिया था, चित्तौड़ पर इसने रतन सिंह बलिदान हो गया था चित्तौड़ में, अपने बेटे खिजर खान को यहाँ नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ रणथंभौर, अब रणथंभौर का कौन है, रणथंभौर का हमीरदेव है। कौन है बच्चों, हमीरदेव। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच में शत्रुता का क्या कारण है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके कारण क्या है। तो कारणों में एक एक कारण को हम बड़े ध्यान से देखेंगे, पहला कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है, चौथा कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, और वो इतना पक्का साम्राज्यवादी था बच्चों कि वो पूरे राजपूताना पर अपना अधिकार करना चाहता था। वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, रणथंभौर, जालौर, सब जगह जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं उनको अपने अधीन करना चाहता था और उन पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। पहला कारण क्या रहेगा, साम्राज्यवादी था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था, एक पक्का साम्राज्यवादी था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये पहला कारण था। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा कारण क्या रहेगा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा कारण ये रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था, यानी उसकी इच्छाएं बहुत सारी इच्छा थी। वो पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार करना चाहता था, पूरे हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में लेना चाहता था, महत्वाकांक्षी दूसरी इसकी विशेषता थी। अगर बच्चों में तीसरा इसका कारण क्या रहेगा, दुर्ग जो था उसको भेदना मुश्किल था, भेदना। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी जो मुसलमान शासकों ने यहाँ पर अटैक किए थे, एक एक करके सारे मुसलमान, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्ताना थी, जलालुद्दीन खिलजी भी गया था रणथंभौर दुर्ग पर हमला करने के लिए, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वो भी पराजित हो गए और बोल दिया कि मेरे पास तो बहुत सारे दुर्ग हैं, मैं रणथंभौर का दुर्ग लेकर क्या करूँगा। तो इस दुर्ग को भेदना शत्रु के लिए बहुत मुश्किल होता था, कोई भी शत्रु जो है इस दुर्ग पर नज़र उठा कर नहीं देखता था। इस दुर्ग पर नज़र उठाने वाला कोई भी शत्रु होता था तो वो यहाँ से पराजित होकर ही जाता था। इतना दुर्ग मजबूत था, इतनी दीवारें मजबूत थी इसकी कि दुर्ग को भेदना बहुत मुश्किल था। और दुर्भेद्यता यानी इसको कोई भेद नहीं सकता था, इस दुर्ग को कोई तोड़ नहीं सकता था। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थी, ये पहाड़ों से इतना, जंगलों से इतना घिरा हुआ था कि कोई भी शत्रु अगर एक बार यहाँ आ जाता तो वो पराजित हुए बिना यहाँ से लौट नहीं सकता था। आने की बात तो दूर है, या अगर आ भी गया तो वो जिंदा लौट कर नहीं जाता था। इतना शानदार यहाँ सुदृढ़ बना हुआ था, इतनी यहाँ रक्षा व्यवस्था की गई थी, जंगली एरिया था पूरा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे ही दुर्ग से मुझे जो है युद्ध करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक ये है कि जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मैं पराजित करके और अपने आप को तानाशाह घोषित कर सकूँ, पूरे विशाल साम्राज्य का मैं एकमात्र सम्राट बनना चाहता हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वाकांक्षा थी। तो तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण ये था कि ये दिल्ली और ये रणथंभौर, इसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, ये बहुत पास पास में थे। यानी रणथंभौर का दुर्ग दिल्ली के निकट था, दिल्ली के निकट था, इसलिए एक कारण ये भी हो गया था। तो कारण नंबर ये तीन हो गया, कारण नंबर ये चार हो गया। अब हम पांचवा कारण की बात करेंगे। पांचवा कारण क्या था, पांचवा कारण ये होता है एक मोहम्मद शाह और कहबू। ये मोहम्मद शाह और कहबू ये दोनों भाई थे। ये क्या, मोहम्मद शाह और कहबू जो थे, एक दिन क्या हुआ कि गुजरात, दिल्ली की सेना जो थी वो गुजरात पर हमला करने के लिए गई थी। दिल्ली ये रहा और इधर ये राजपूताना है और गुजरात यहाँ पर है। ये कौन सी जगह है बच्चों, गुजरात। अब दिल्ली की सेना जो है वो यहाँ आएगी
सवाई माधोपुर में आएगी, चित्तौड़ में आएगी, इधर जालौर माउंट आबू होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश करेगी? गुजरात में। तो जब दिल्ली की सेना यहाँ से रवानगी लेती थी तो यहाँ राजपुताना में एंटर होने पर दिल्ली की सेना को यानी मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता था। मुसलमानों को टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना टैक्स देगी। जैसे हम कहीं भी माउंट आबू की यात्रा पर जाते हैं तो जैसे ही माउंट आबू का जो जगह आती है, गेट आता है, तो उस पर हमारी बस रुकेगी और हमें वहाँ से 500 रुपये का टिकट देंगे। हम 500 रुपये का टिकट कटवाने के बाद ही हमारी बस अंदर जाती है, तभी हम माउंट आबू की जो पर्यटक स्थल है उनका दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार जयपुर के आमेर महल में भी आप जाते हो तो आप कभी गए होंगे तो देखा होगा कि आमेर महल में आप एंट्री अंदर तो आप गेट के अंदर तो चले जाओगे लेकिन महलों को देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। एक टिकट 100-150 रुपये का एक टिकट होता है। आप 100-150 रुपये दोगे तभी आप मानसिंह के महलों को, जोधाबाई के महल को और सभी मानसिंह के महल, जोधाबाई के महल, राजपूतों के महिलाएँ, राजपूत वीरांगनाओं के वहाँ के फुंवारे, वहाँ के झरने, वहाँ की झीलें, वहाँ के जो दीवाने आम, दीवाने खास, वहाँ का जो मंदिर है, उसका जो जल महल बना हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें नाहरगढ़ के दुर्ग बने हुए हैं जहाँ शेर की सवारी प्रसिद्ध मानी जाती है, उसके लिए हमें टिकट देना पड़ता है। तो यहाँ मुसलमान अगर राजपूताना में आएंगे तो यहाँ इनको टिकट देना पड़ेगा, यानी टिकट का मतलब टैक्स देना होगा। टैक्स देने के बाद ये सेना आगे बढ़ेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था कि हम टैक्स क्यों देंगे, हम पूरा राजपूताना पर अपना अधिकार जमाएंगे, पूरे राजस्थान में अपना क्या करेंगे, अधिकार जमाएंगे, तो उल्टा ये टैक्स हमको देंगे। अलाउद्दीन खिलजी क्या कह रहा, उल्टा ये सारे राजपूत लोग मुझे टैक्स देंगे, मैं इन सबको पराजित कर दूंगा, पूरा राजस्थान पर मेरा अधिकार होगा, पूरे राजपूताना पर मेरा अधिकार होगा, ये मुसलमान था। तो एक बार तो ये सेना यहाँ से यहाँ आ गई थी गुजरात में। अब गुजरात में मुसलमानों की सेना आ गई थी, गुजरात के राजा को पराजित किया, यहाँ से खूब सारा गोल्ड ले लिया, बहुत सारा गोल्ड लेके और बोरियों में भरकर, किसमें बोरियों में भर के, और ये गोल्ड लेके वापस गुजरात से कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। कौन सी जगह जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। कौन जा रहे थे? मुसलमान सैनिक कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए थे। दिल्ली से कहाँ आए थे? गुजरात आए थे। वापस जा रहे हैं तो राजस्थान से होके जाना पड़ेगा। तो रास्ते में क्या करा कि इस मोहम्मद शाह और कैबू ने इनके गोल्ड को लूट लिया। तो एक कारण, और गोल्ड को लूटने के बाद ये चले गए हमीरदेव के पास में। किसके पास चले गए? हमीरदेव के पास, हमीरदेव के दरबार में चले गए कि हम आपकी शरण में आए। हमीरदेव ने कहा कि आप गेस्ट हो, हमारे गेस्ट हो, और गेस्ट जो होता है वो भगवान के बराबर होता है। हमीरदेव ने इन दोनों को अपने दरबार में शरण दे दी थी। किसको? मोहम्मद शाह और कैबू को। पाँचवा कारण ये था। ठीक है, छठे कारण की अगर मैं बात करूँ तो चिमना। बच्चों, चिमना का नाम आपने सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी कौन थी? चिमना। पहले क्या थे कि ये मोहम्मद शाह और कैबू जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक सेनापति के पद पे थे, मोहम्मद शाह और कैबू, और इसी दिल्ली के दरबार में रहते थे। तो जब दिल्ली का दरबार लगता था यहाँ पे, तो ये थोड़ा इधर ध्यान दो बच्चों, आप यहाँ इधर बता देता हूँ आपको, जगह खाली है। ये दिल्ली का दरबार लग रहा है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये इसके मंत्री बैठे हैं यहाँ पे, इसके मंत्री बैठे हैं, और यहाँ इस जगह जो है महल के ऊपर, ये यहाँ विंडो लगी हुई थी, बड़े बड़े महल बने हुए थे, महलों में छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई थी, तो यहाँ से रानियाँ वगैरह ऊपर से देखती थी। ये तो यहाँ, ये जो मोहम्मद शाह सेनापति था वो यहीं पे विराजमान होता था। मोहम्मद शाह और कहबू। तो ये मोहम्मद शाह जो था बच्चों, मोहम्मद शाह जब यहाँ विराजमान होता था, इस जगह विराजमान होता था, तो यहाँ से इस विंडो से चिमना जो थी और चिमना की अन्य जो सखियाँ थी वो यहाँ से मोहम्मद शाह को देखती थी। और मोहम्मद शाह और चिमना में क्या हो गया? प्रेम हो गया। और ये बात किसको पता चल गई थी? अलाउद्दीन खिलजी को चल गई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मोहम्मद शाह और चिमना में प्रेम हो गया था और ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने रातों रात फरमान निकला है कि मोहम्मद शाह को पकड़ के लाओ, जेल में बंद करो, मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। मोहम्मद शाह और कहबू ये दोनों यहाँ से दिल्ली को छोड़ के भाग गए थे, और भाग के किसके पास में आ गए थे? हमीरदेव के पास में आ गए थे। यहीं आकर हमीरदेव के पास में ही रहने लगे थे। हमीरदेव ने कहा, मोहम्मद शाह और कहबू ने कहा, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं। और हमीरदेव ने इस बात को मान लिया था और हमीरदेव के यहीं पर रहने लगे थे।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के यहाँ एक फरमान भिजवाया कि हमारा दुश्मन है मोहम्मद शाह कहवुआ, मोहम्मद शाह ने हमारी पत्नी चिमना पर नज़र रखी है, इसलिए हम इसको मोहम्मद शाह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप ऐसा करो कि मोहम्मद शाह और उसके भाई कहवु को हमें सौंप दो वरना अच्छा नहीं होगा। हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया कि नहीं, है हमारे गेस्ट हैं और हम ये भगवान के बराबर है। बस यही कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया था, एक कारण नहीं बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर हमला किया था। बच्चों पहला नंबर साम्राज्यवादी मैंने आपको बताया, दूसरा नंबर महत्वाकांक्षी था अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा नंबर दुर्ग इतना मजबूत था कि जिसको कोई भेद नहीं सकता था, चार नंबर पर रणथंभौर दिल्ली के बिल्कुल पास में था, और पाँच नंबर पे मोहम्मद शाह केबू की घटना मैंने बताई थी कि एक बार पहले भी इसने धोखा दिया था सारा धन लेके और हमीर देव के पास चला गया था, और फिर एक बार इसने चिमना जो दरबार में चिमना की घटना को लेकर इस तरह का हादसा हुआ था। इस तरह ये जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में शत्रुता बढ़ गई थी, क्या बढ़ गई थी बच्चों, शत्रुता बढ़ गई थी, और इसी शत्रुता की वजह से ही जो है अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में शत्रुता होने के कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब चरणबद्ध तरीके से ये युद्ध चलेगा, पहला चरण क्या होता है, दूसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण क्या होता है और चौथा चरण क्या होता है। तो अब हम जो हैं इसके पहले चरण की हम बात करेंगे कि पहले चरण में क्या हुआ था, पहले चरण के अंदर क्या होता है और दूसरे चरण में क्या होता है। तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ बच्चों, की पहला चरण में क्या होगा और दूसरे चरण में क्या होता है। यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ये दिल्ली का सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये फर्स्ट स्टेप। पहले चरण में क्या हुआ था, पहले चरण में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे बच्चों, एक कौन था दूसरा कौन था, एक था उलुग खान, एक था नुसरत खान, कितने हैं, दो हैं, ध्यान से देखो, पहला नंबर कौन है, उलुग खान है, और दूसरा कौन है, नुसरत खान है। उलुग खान कहाँ का गवर्नर था, ये बयाना का गवर्नर था। अब बच्चों आप मुझसे पूछोगे कि सर बयाना कहाँ पर स्थित है, नुसरत खान कहाँ का था, कड़ा का। सर आप बच्चों मुझसे पूछोगे सर कड़ा कहाँ पर है, बयाना जो है वो आपके राजस्थान में जिसको राजपूताना कहते हैं, ये बयाना कहाँ पे है, ये भरतपुर जिले